Welcome at Universal Education Point channel. Today's topic is CRO यानि कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं यहाँ पर ये मान के चल रहा हूँ कि कैथोड रे ट्यूब के आपको कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं और कैथोड रे ट्यूब के ऊपर मैं एक सेपरेट लेक्चर बना चुका हूं जो कि मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। चलिए बात करते हैं सीआरओ पर। सीआरओ पर बात करने से पहले हमें सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि सीआरओ क्या चीज है, सीआरओ क्या करता है और ये कैसे काम को करता है। सीआरओ एक इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं वोल्ट मीटर, वो क्या करता है, वोल्ट मीटर हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। तो सीआरओ भी एक इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। अब ये कैसे मेजर करेगा हमें इस पर बात करनी है, यानी कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो है वो क्या करेगा, किसी भी सिग्नल को इसकी डिस्प्ले के ऊपर वेव फॉर्म की फॉर्म में डिस्प्ले करेगा, यानी कि किसी भी सिग्नल को वेव की फॉर्म में डिस्प्ले करेगा और फिर हमें उस वेव फॉर्म को एनालाइज करना है। तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का ये काम होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि कोई भी इनपुट जो सिग्नल हम देंगे उस इनपुट सिग्नल को कैथोड रे ऑसिलोस्कोप वेव की फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको डिस्प्ले करेगा और उस वेव फॉर्म को हमें एनालाइज करना है। ये इसका मेन इंपॉर्टेंट यूज है। चलिए बात करते हैं ये कैसे डिस्प्ले करेगा सिग्नल को वेव की फॉर्म के अंदर। सीआरओ को जब बनाया गया तो सीआरओ को डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड करके इनको ज्वाइन करने के बाद एक सीआरओ का डायग्राम बना। जो सीआरओ के मेन कंपोनेंट्स हैं वो कितने कंपोनेंट हैं, वो 7 कंपोनेंट हैं जिनको मैंने नंबरिंग कर रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं सीआरओ के। लेकिन जो सबसे मेन कंपोनेंट सीआरओ का है, वो जिसको हम सीआरओ का हार्ट बोलते हैं या जिसको सीआरओ का हम दिल बोलते हैं, वो है कैथोड रे ट्यूब। और कैथोड रे ट्यूब को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया होता है। जो पहला पार्ट होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन गन का, और इलेक्ट्रॉन गन का इतना मेन पार्ट होता है, इलेक्ट्रॉन गन क्या काम करती है, एक फास्ट मूविंग यानी कि वेरी हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम को ये जनरेट करती है और वो एक्सेलरेटेड बीम होती है, यानी कि मैं ये बोलूं इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट ए वेरी हाई एनर्जेटिक एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम। अब उस एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम को हमें कहां से पास करना होता है, एक डिफ्लेक्टिंग प्लेट सिस्टम होता है, यहां से ये यहां तक का ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट सिस्टम है। और ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट सिस्टम किन 2 प्लेट के सेट के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, इसका मतलब डिफ्लेक्टिंग सिस्टम जो है, ये डिफ्लेक्टिंग सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ ए 2 सेट्स ऑफ ए प्लेट, एक प्लेट, एक ये सेट ऑफ ए प्लेट्स है और दूसरा ये सेट ऑफ ए प्लेट है। एक मेरा कौन सी डायरेक्शन में है, जैसे मैंने ऐसे शो कर रखा है, इसका मतलब ये कौन सा प्लेन है, ये प्लेन तो मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, लेकिन जब इसमें इसमें इलेक्ट्रॉन बीम पास करेगी, जैसे मेरे पास एक प्लेट, एक सेट ऑफ ए प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, और मैंने इन दोनों प्लेट्स को कौन से प्लेन में लगा रखा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, लेकिन जब इन दोनों प्लेट को मैं पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करूंगा, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव है नीचे वाली प्लेट के ऊपर नेगेटिव है, तो इसमें से जब इलेक्ट्रॉन बीम पास करेगी तो इलेक्ट्रॉन किधर एक्सेलरेट करेगा, पॉजिटिव की तरफ, और ये ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बीम किधर डिफ्लेक्ट कर जाएगी, अपवर्ड साइड में। अगर नीचे वाली प्लेट को मैं पॉजिटिव कर दूं,
और ऊपर वाले प्लेट को नेगेटिव कर दूं तो दोनों प्लेट के बीच में मैंने पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर दिया, और पॉजिटिव प्लेट हमेशा क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक्सेलरेट करेगी। तो अब नीचे वाली प्लेट पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन बीम जो एक्स वेरी हाई वेलोसिटी से जब इसमें से पास करेगा तो वो किधर डिफ्लेक्ट करेगा, वो नीचे वाली प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा और नीचे की साइड पे सीआरओ की स्क्रीन के ऊपर जाकर स्ट्राइक करेगा। इसका मतलब जो ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट सिस्टम है ये इलेक्ट्रॉन बीम को क्या करेगा, मूव करेगा अप एंड डाउन स्क्रीन के ऊपर ऐसे मूव करेगा। और ये जो दूसरा सेट ऑफ ए प्लेट है, ये सेट ऑफ ए प्लेट ऐसा है, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ये कौन से प्लेन में है, वर्टिकल प्लेन में है। मैं आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल ऐसे समझा रहा हूं, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन बीम पास करेगी तो ये प्लेट के ऊपर अगर पॉजिटिव है और इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन बीम किधर डिफ्लेक्ट करेगी, इधर इलेक्ट्रॉन बीम इधर डिफ्लेक्ट करेगी। अगर इस वाली प्लेट के ऊपर पॉजिटिव है और इस वाली प्लेट के ऊपर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन बीम किधर डिफ्लेक्ट करेगी, इधर डिफ्लेक्ट करेगी। इसका मतलब ये जो सेट ऑफ ये प्लेट है इलेक्ट्रॉन बीम को कैसे मूव कराएगा, हॉरिजॉन्टली मूव कराएगा, ऐसे यहां से लेफ्ट टू राइट और फिर यहां पर आएगा, ये मैं अभी समझाऊंगा आपको पॉइंटर, ऐसे लेफ्ट टू राइट ऐसे मूव करेगा। इसका मतलब ये सेट ऑफ ए प्लेट इस इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्लेक्ट करेगी लेफ्ट ऑफ राइट मींस हॉरिजॉन्टली, और ये सेट ऑफ ए प्लेट मूव करेगी वर्टिकली अप एंड डाउन ऐसे। इस डिफ्लेक्टिंग प्लेट सिस्टम का ये काम होगा। और जो थर्ड पार्ट होता है सीआरटी का वो होता है फ्लोरोसेंट स्क्रीन। स्क्रीन किसी भी फ्लोरोसेंट मटेरियल की बनी होती है और ये फास्फोरस की बनी होती है, और फास्फोरस की अपनी प्रॉपर्टी है जब कोई भी हाई एनर्जेटिक पार्टिकल इसकी मटेरियल एटम के ऊपर स्ट्राइक करेगा या इस फास्फोरस के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो फास्फोरस के एटम उस हाई एनर्जेटिक पार्टिकल की एनर्जी को गेन करेंगे और गेन करके उसके इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे, हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे और वो हायर एनर्जी स्टेट के अंदर 10^-8 सेकेंड तक रहते हैं। इसके बाद जंप बैक टू द ग्राउंड एनर्जी स्टेट और क्या करते हैं, फोटोन को रिलीज करते हैं। इसका मतलब जहां पर भी इलेक्ट्रॉन इस फास्फोरस स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक करेगा वो वाला पिक्सल क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा। और किस कैसी फॉर्म में ग्लो करता है, ग्रीन स्पॉट हमें वहां पर दिखाई देता है। चलिए हमने सीआरटी की बात कर ली है। सीआरटी तीन कंपोनेंट्स में है, पहला इलेक्ट्रॉन गन, दूसरा डिफ्लेक्टिंग प्लेट सिस्टम एंड थर्ड वन इज द स्क्रीन। और ये जो सीआरटी है ये कैथोड रे ओसिलोस्कोप का हार्ट होता है, दिल होता है। सारी वर्किंग हमें इस स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले को चेक करना है। चलिए अब बात करते हैं सीआरओ के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के, जो रिमेनिंग कंपोनेंट है। हम सिक्स वाले कंपोनेंट को डिस्कस कर चुके हैं, अब इसकी बात सिर्फ हम कहां पर करेंगे, वर्किंग पार्ट पर। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है वर्टिकल एम्पलीफायर, और वर्टिकल एम्पलीफायर का क्या काम होगा, सबसे पहले मैं इस चीज को बता दूं, मेरे को जिस भी सिग्नल को डिस्प्ले करना है सीआरओ की या सीआरटी की स्क्रीन के ऊपर, उस सिग्नल को क्या करना होगा, जनरेट करना होगा। और उसको हम जनरेट कहां से करते हैं, एक टेस्टिंग सर्किट से जनरेट करते हैं। मींस जिस भी सिग्नल को, जैसे मैं कोई साइनोसाइडल सिग्नल ले रहा हूं या कोई स्क्वायर वेव ले रहा हूं या कोई रेक्टेंगुलर वेव ले रहा हूं, जिस भी सिग्नल को मैं डिस्प्ले करना चाहता हूं उसको मेरे को जनरेट करना होगा। और जनरेट कहां से करूंगा, किसी टेस्टिंग सर्किट से जनरेट करूंगा। उस टेस्टिंग सर्किट से जनरेट होने वाले सिग्नल को मैं अडेप्टर की हेल्प से किसको फीड कर दूंगा, किसको प्रोवाइड कर दूंगा, वर्टिकल एम्पलीफायर को। और एम्पलीफायर हम पढ़ चुके हैं, एम्पलीफायर क्या चीज होता है, ट्रांजिस्टर होता है। और सबसे बेस्ट एम्पलीफायर कौन होता है, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर होता है। इसका मतलब वर्टिकल एम्पलीफायर में क्या लगा होगा, मोसफिट्स लगे होंगे, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होंगे इसके अंदर। वो क्या करेंगे, जो सिग्नल आ रहा है उस सिग्नल को क्या कर देंगे, एम्पलीफाई कर देंगे। जिस सिग्नल को हम डिस्प्ले करना चाहते हैं किसके ऊपर, सीआरटी के स्क्रीन के ऊपर।
इसके बाद वर्टिकल एम्पलीफायर का सिर्फ इतना काम होगा, जिस भी सिग्नल को हम क्या करना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर, उसको वो क्या कर देगा, एम्पलीफाई कर देगा। अब यहां पर जो इसके आउटपुट के ऊपर हमें एम्पलीफाइड सिग्नल मिलेगा, उसको हम क्या करेंगे, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे। एक कंपोनेंट्स एक एक पार्ट को तो मैं किसको अप्लाई करूंगा, वाई वाई प्लेट को अप्लाई करूंगा, और दूसरे पार्ट को किसको अप्लाई करूंगा, एक्स एक्स प्लेट वाले सेट ऑफ ए सिस्टम को अप्लाई करूंगा। इसका मतलब मैंने सबसे पहले जो ये वर्टिकल एम्पलीफायर के ऊपर जो सिग्नल आया है, उस सिग्नल को डिवाइड किया टू पार्ट्स के अंदर, एंड फर्स्ट पार्ट को मैं जो सिग्नल आ रहा है, फर्स्ट पार्ट का जो सिग्नल है उसको मैं नाम दे रहा हूं एफ सिग्नल। इसका मतलब वो एफ सिग्नल कौन सा होगा, वाई वाई सिग्नल, वाई वाई प्लेट को मैं उस सिग्नल को प्रोवाइड कर रहा हूं। और ये मैंने सिग्नल किसकी हेल्प से प्रोवाइड किया है, डिले लाइन की हेल्प से ये मैंने सिग्नल किसको प्रोवाइड कर दिया है, वाई वाई डिफ्लेक्टिंग प्लेट। और ये वाई वाई कौन सी है, जो कि वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट सिस्टम, वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग सिस्टम वाली प्लेट है। इसका मतलब मेरे पास ये डिले जो लाइन है ये क्या काम करेगी, मैं इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा ये हम बात करेंगे। इसका मतलब हमने जिस भी सिग्नल को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है उसको सबसे पहले जनरेट करना होगा, और जनरेट कहां से करेंगे, टेस्टिंग सर्किट से। टेस्टिंग सर्किट से सिग्नल को जनरेट करने के बाद उसको हम अप्लाई करेंगे वर्टिकल एम्पलीफायर को थ्रू ए अडप्टर। अडप्टर के थ्रू अप्लाई करने के बाद वर्टिकल एम्पलीफायर उस सिग्नल को क्या कर देगा, एम्पलीफाई कर देगा, और वर्टिकल एम्पलीफायर के आउटपुट के ऊपर जो सिग्नल हमें मिलेगा उस सिग्नल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट को हम अप्लाई करेंगे किसको, वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट ऑफ ए सीआरटी वाया थ्रू डिले लाइन, इस डिले लाइन की हेल्प से अप्लाई करेंगे। अब ये डिले लाइन का अभी मैं बात करूंगा, और जो दूसरा पार्ट इस सिग्नल का होगा मैं उसको किसको दूंगा, ये जो मेरा एक्स एक्स प्लेट है जो कि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग सिस्टम है। हॉरिजॉन्टल किसका सिस्टम है, ये इलेक्ट्रॉन बीम का, मीन्स उसको अप्लाई कर दूंगा एक्स एक्स प्लेट को, दूसरे पार्ट वाले सिग्नल को, मीन सेकेंड पार्ट ऑफ द सिग्नल इज अप्लाइड टू द हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट सिस्टम एक्स एक्स ऑफ दिस सीआरटी वाया थ्रू हो दिस एंड दिस। यहां पर ये ट्रिगर सर्किट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, हम इनकी बात करेंगे। जो यहां से वर्टिकल एम्पलीफायर का आउटपुट सिग्नल आया है उसको दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद वन फर्स्ट पार्ट को हमने अप्लाई कर दिया वाई वाई प्लेट को, जिसको मैं एफ सिग्नल का नाम दे रहा हूं, और दूसरे सिग्नल को मैंने अप्लाई कर दिया है एक्स एक्स प्लेट को, जिसको मैं नाम दे रहा हूं एफ स्वीप सिग्नल का। स्वीप की बात करूंगा, ये स्वीप क्या चीज है, इसको मैं नाम दे रहा हूं एफ स्वीप सिग्नल। और ये एफ का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का है। इसका मतलब ये ओनली सिग्नल होगा, और ये कौन सा सिग्नल होगा, ये स्वीप सिग्नल होगा। ये सिग्नल जो होगा ये कौन सा होगा, वाई वाई सिग्नल होगा, और जो ये स्वीप सिग्नल होगा ये कौन सा होगा, एक्स एक्स सिग्नल होगा। अभी बात करेंगे यहां से डिले लाइन। अब ये जो डिले लाइन है ये, इसका मैं पहले एक वर्किंग बता देता हूं क्या करेगा। ये जो डिले लाइन है ये क्या करेगा, जो इसके आउटपुट के अंदर जो सिग्नल आया है उसको कुछ डिले करेगा, उसको यहां पर रोकेगा। मींस डिले लाइन प्रोवाइड सम अमाउंट ऑफ ए डिले टू द सिग्नल दैट इज टू बी ऑबिटेन एट द आउटपुट ऑफ द वर्टिकल एम्पलीफायर। मीन्स यहां पर जो ये वर्टिकल क्यों डिले करना है हमें, उसी वही तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहां पर जो मैं एक्स वाई वाई प्लेट को जो सिग्नल दे रहा हूं उसको यहां से एकदम से प्रोवाइड नहीं कर देना है, लेकिन उस सिग्नल को हमें कुछ देर यहां पर रोकना है, और डिले वो कौन रोकेगा, वही तो सेटिंग करनी है। मीन्स डिले लाइन प्रोवाइड सम अमाउंट ऑफ ए डिले टू द सिग्नल दैट इज टू बी ऑबिटेन एट द आउटपुट ऑफ ए वर्टिकल एम्पलीफायर, एंड दैट डिलेड सिग्नल इज अप्लाइड टू द वाई वाई सेट्स ऑफ ए प्लेट ऑफ द सीआरटी।
मीन्स वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट ऑफ द सीआरटी के ऊपर हमें अप्लाई कर देना है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट का है, ये जो ट्रिगर जो सर्किट है, ये क्या करेगा, इस सीआरओ को ये बताएगा, सीआरओ को सिर्फ क्या बताएगा, सीआरओ को ट्रिगर सर्किट ये बताएगा कि तुम्हें जो ट्रेस करना है किसके ऊपर, जो तुम्हें इनपुट सिग्नल का जो ट्रेस करना है डिस्प्ले के ऊपर, उसके बारे में ये बताएगा। मीन्स ट्रिगर सर्किट टेल्स द सीआरओ टू ट्रेस द इनपुट सिग्नल ऑन द डिस्प्ले, सिर्फ इसका इतना काम होगा। और ये कैसे बताएगा उसकी मैं बात करूंगा, ये ट्रिगर सर्किट कैसे बताएगा सीआरओ को कि तुम्हें इनपुट सिग्नल को अपनी आउट डिस्प्ले के ऊपर ट्रेस आउट करना है, और कैसे ट्रेस आउट करना है उसकी हम बात करने वाले हैं। इसके बाद जो ये फोर्थ कंपोनेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट है, टाइम बेस्ड जनरेटर। टाइम बेस्ड जनरेटर क्या काम करेगा, जो भी सिग्नल आ रहा है उसको कन्वर्ट करेगा, किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, सॉटूथ वेव की फॉर्म में, सॉटूथ वेव फॉर्म सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट। सॉटूथ का मतलब दांतों की आकार की वोल्टेज के सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। जैसे मैंने यहां पे ये दिखा रखा है, ये ऐसे दिखा रखा है, इसका मतलब ये टाइम बेस्ड जनरेटर कन्वर्ट द सिग्नल इंटू सॉटूथ वेवफॉर्म। और ये जो सॉटूथ वेवफॉर्म है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शंस के लिए। कैसे डिफ्लेक्शन, इसका मतलब ये सॉटूथ वेव क्या काम करेगी, देखो जो मेरा ये जो सिग्नल है ना, इस सिग्नल की फॉर्म में दूंगा अभी, और इसके बीच ये डिले लाइन और ट्रिगर सर्किट के बीच में सेटिंग करते हैं। सॉटूथ वेव क्या कहता है, ये जो टाइम बेस्ड जनरेटर है ये सिग्नल को किस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, इसके अंदर क्या होगी, वोल्टेज इंक्रीज करेगी लीनियरली, वोल्टेज इंक्रीज, ये वोल्टेज, इधर वोल्टेज है और इधर टाइम है, ये मेरा ऐसे मैंने ग्राफ पे प्लॉट कर रखा है, वोल्टेज इंक्रीजेज लीनियरली लीनियरली लीनियर स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज करेगी फॉर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ ए टाइम, यहां से लेकर यहां तक इतने इंटरवल ऑफ टाइम तक लीनियरली इंक्रीज करेगी, और इस इंटरवल को मैं क्या बोलता हूं, दैट इज काले, इस सिग्नल को क्या बोलता हूं मैं, स्वीप, ये लीनियरली जो जनरेट हो रहा है इसको तो मैं क्या बोलता हूं, स्वीप सिग्नल। इसका मतलब ये स्वीप हो रहा है, बिल्कुल लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, लीनियरली इंक्रीज कर रहा है फॉर ए सर्टेन एक कुछ इंटरवल ऑफ ए टाइम के लिए, और कितने इंटरवल ऑफ टाइम है, यहां से लेकर यहां तक का ये इंटरवल ऑफ टाइम है, दैट इज कॉल्ड स्वीप टाइम, इसको मैं क्या बोलता हूं, स्वीप टाइम। इसके बाद ये जो सिग्नल है वो क्या करेगा, रैपिडली डिक्रीज करेगा, एकदम से डिक्रीज करेगा, और कहां पर चलाया जाएगा, डिक्रीज टू एक रैपिडली डिक्रीज करेगा, इसका मतलब रैपिडली डिक्रीज कर रहा है तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, रिटर्न कर रहा हूं, तो ये जितने टाइम में, और ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम लेगा, बहुत फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड लेगा, और उसके अंदर क्या कर जाएगा, ये रिटर्न कर जाएगा, फ्लाई बैक कर जाएगा, फ्लाई बैक टू द ओरिजिन, मतलब जैसे ये ओरिजिन था यहां से चला था तो ये ओरिजिन के ऊपर आ जाएगा, और ओरिजिन के ऊपर आने के बाद इस प्रोसेस को फिर रिपीट करेगा। इसका मतलब ये टाइम बेस्ड जनरेटर क्या करेगा, जो भी सिग्नल आ रहा है उसको कन्वर्ट करेगा किसकी फॉर्म में, सॉटूथ वेव की फॉर्म में, यानी कि सॉटूथ वेव फॉर्म सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। सॉटूथ वेव क्या, क्यों नाम दिया गया, क्योंकि ये दांतों की आकार की शेप का सिग्नल होता है, ये ऐसे दांत बन गया, ऐसे दांत से बनते चलेंगे, इसका मतलब यहां से ये जो सॉटूथ वेव फॉर्म क्या कहती है, इसके अंदर वोल्टेज जो है वोल्टेज इंक्रीज करेगी लीनियरली फॉर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ ए टाइम, दैट इंटरवल ऑफ ए टाइम आर कॉल्ड द स्वीप इंटरवल, स्वीप सिग्नल, एंड द जो टाइम होगा इसके अंदर उसको हम बोलेंगे स्वीप टाइम, और इसके बाद उस टाइम के बाद, स्वीप टाइम के बाद ये सिग्नल एकदम से सडनली रैपिडली डिक्रीज करेगा एंड रिटर्न बैक टू द ओरिजिन कर जाएगा, रिटर्न बैक टू द ओरिजिन, और फिर क्या करेगा, टू अगेन रिपीट द प्रोसेस, उसी प्रोसेस को ये रिपीट करेगा। तो इस सिग्नल को ये टाइम बेस्ड जनरेटर क्या करेगा, जनरेट करेगा। इस सिग्नल को जनरेट करने के बाद इस सिग्नल को हमें अप्लाई करना है हॉरिजॉन्टल प्लेट के ऊपर, मीन हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन
जो कि वर्टिकल प्लेन के अंदर है, लेकिन इसका काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बीम का ओरिजेंटली क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगी। इसका मतलब यहां से अभी मैं समझाऊंगा, देखो यहां से इसका मतलब ये माइनस टू है, ये मेरा यहाँ पे जीरो है तो ये माइनस टू है तो ये टू है, इसका मतलब माइनस टू से चलूंगा तो मैं, इसका मतलब क्या है देखो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये प्लस है, ये वाली प्लेट प्लस है और ये माइनस है, ये माइनस है तो ये माइनस है, ये नीचे वाली माइनस है, ऊपर वाली ये प्लस है, तो इलेक्ट्रॉन किधर ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, इसके बाद ये कम होता चलेगा, ये बढ़ता चलेगा, तो इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन जो स्पोर्ट है वो ऐसे ऐसे राइज होता चलेगा, इसके बाद ये नेगेटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कहां पर, यहां पर आ जाएगा। इसका मतलब यहां से एक ऐसा ट्रेस करने के बाद ये यहां से चला था और यहां तक ट्रेस करके कहां पर आ गया, यहां पर आ गया, इसके बाद इस सिग्नल को फिर यहां से कहां पर पहुंचना है, यहां पर वापिस आना है, सडनली एकदम से वापिस आना है, वापिस आने के बाद फिर ये ट्रेस ऐसे स्टार्ट कर देना है। तो ये किसका काम होगा, टाइम बेस जनरेटर का जनरेट करने के लिए, जिसको हमने अप्लाई कर देना है इस सिस्टम ऑफ प्लेट को। ये हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर है, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर क्या करेगा, इस जो ये टाइम बेस जनरेटर सिग्नल को जनरेट करेगा शॉर्टूथ वेवफॉर्म की फॉर्म में, उसको क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा, और उस एम्पलीफाइड सिग्नल को क्या कर देना है, हमें अप्लाई कर देना है। इसको अप्लाई एम्पलीफाई किस लिए कर रहे हैं, जितनी एम्पलीफिकेशन इसको रिक्वायर्ड है उतना एम्पलीफाई करके ये इस प्लेट ऑफ सिस्टम को दे देगा। मींस एम्पलीफायर फिर वही काम करेगा, इसके अंदर मॉस्फेट्स लगे होंगे, मॉस्फेट का मतलब डिफरेंट ट्रांजिस्टर्स लगे होंगे, ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है, एम्पलीफिकेशन का काम होता है, ये इसको एम्पलीफाई करके इस प्लेट ऑफ ए सिस्टम को दे देगा। और जो लास्ट कंपोनेंट है वो है पावर सप्लाई का। ये पावर सप्लाई क्या है, इट प्रोड्यूस ए लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज, दोनों टाइप की वोल्टेज को जनरेट करेगी ये पावर सप्लाई। इट मींस पावर सप्लाई जनरेट या पावर सप्लाई प्रोड्यूस लो वोल्टेज या लो टेंशन वोल्टेज बोल दो मैं, या हाई वोल्टेज टेंशन बोल दो, लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज को प्रोड्यूस करेगा, जिसमें लो वोल्टेज हाई वोल्टेज कौन सी होती है, नेगेटिव हाई वोल्टेज होती है, नेगेटिव हाई वोल्टेज एंड लो पॉजिटिव वोल्टेज किसको प्रोवाइड करते हैं हम, इस सीआरटी के डिफरेंट कंपोनेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, जो कि मैं समझा चुका हूं सीआरटी के केस में। इसका मतलब ये सप्लाई हम किसको देंगे, यह पावर सप्लाई देंगे हम, जो कि डिफरेंट वोल्टेज को क्या करेगी, जनरेट करेगी टू अप्लाई द सीआरटी एंड अदर पार्ट ऑफ द सर्किट्स को अप्लाई करना है। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग के ऊपर। वर्किंग जो है वो मैंने इलेक्ट्रॉन बीम को यहां तक इलेक्ट्रॉन गन प्रोड्यूस कर देगी, और ये वाली प्लेट क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन बीम को एक्स वाई डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट ऐसे करेगी, और ये वाली प्लेट क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन बीम को ऐसे डिफ्लेक्ट करेगी। इसका मतलब मेरे को यहां से और यहां से ये डिले लाइन क्या करेगी, इस सिग्नल को क्या करेगी, सिंक्रोनाइज करेगी। सिंक्रोनाइज का मतलब एक ही गति से सिग्नल जितनी गति से यहां पे पहुंचे उतनी ही गति से यहां पे सिग्नल पहुंचे, यानी कि दोनों सिग्नल एक ही टाइम के ऊपर, ये एक प्लेट ऐसे है एक प्लेट ऐसे है, दोनों सेट्स ऑफ ए प्लेट के ऊपर सिग्नल क्या करें, सेम टाइम पे पहुंचे। इसका मतलब हमें सिंक्रोनाइज करना है किसके बीच में, वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग वर्टिकल डिफ्लेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन के बीच में, और इस सिंक्रोनाइजेशन को ही हम क्या कहते हैं, ट्रिगरिंग कहते हैं। इसका मतलब ट्रिगरिंग हमें करनी है, और ट्रिगरिंग सेटिंग्स आर टू बी मेड इन सच ए वे, और ट्रिगरिंग सेटिंग को हमें ऐसे सेट करना है कि वो क्या कर दे, एफ सिग्नल और एफ स्वीप सिग्नल को बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल कर दे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां से जो डिले लाइन है ये क्या करेगी, सिंक्रोनाइज करेगी। सिंक्रोनाइज कैसे करेगी, किसके बीच में, वर्टिकल सिग्नल एंड हॉरिजॉन्टल सिग्नल्स के बीच में, और इसी सिंक्रोनाइजेशन को यानी कि दोनों सिग्नल्स को यहां पे रोकेगी। जब तक ये सिग्नल यहां पर नहीं पहुंचेगा तब तक क्या करेगी, डिले करेगी कौन से सिग्नल को, इस वाले सिग्नल को, ताकि दोनों सिग्नल क्या पहुंचे, दोनों सेट्स ऑफ ए प्लेट के ऊपर सेम टाइम के ऊपर पहुंचे। तो ये डिले लाइन, या मैं ये कह दूं सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब सिंक्रोनाइजेशन इज टू बी डन बिटवीन वर्टिकल डिफ्लेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन, सच टाइप ऑफ इट सिंक्रोनाइजेशन कॉल्ड ट्रिगरिंग।
और इस ट्रिगरिंग को हमने क्या कहा, इस ट्रिगरिंग सेटिंग्स को ऐसे बनाना है कि ट्रिगरिंग सेटिंग्स आर टू बी मेड इन सच ए वे दैट टू मेक, टू हमें क्या बनाना है, टू मेक, इसका मतलब मैं सेटिंग कैसे करूंगा, टाइम पर डिवीजन, ये जो टाइम पर डिवीजन मींस ये जो इस ये इसके एक्स स्केल के ऊपर क्या है, टाइम है, और ये इसके क्या है, डिवीजन है, इसका मतलब मेरे को टाइम पर डिवीजन ऐसे सेट करना है। और टाइम पर डिवीजन हमेशा कौन सी सेटिंग होती है, ओरिजिनल सेटिंग होती है, और वोल्टेज पर डिवीजन हमेशा कौन सी सेटिंग पे आता है, वाई सेटिंग पे, वर्टिकल स्केल के ऊपर। इसका मतलब मेरे को टाइम पर डिवीजन ऐसे एडजस्ट करना है कि यहाँ पे एफ सिग्नल और एफ सिग्नल मस्ट बी एग्जैक्टली इज इक्वल टू, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एफ सिग्नल इज इक्वल टू क्या बन जाए, एफ स्वीप्स ये बन जाए। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो एफ वाई वाई है मस्ट बी एग्जैक्टली इज इक्वल टू क्या बन जाए, एफ एक्स एक्स। इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, f क्या चीज है, ये फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सिग्नल, और ये क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट स्वीप सिग्नल। इसका मतलब मेरे पास अगर मैं ये सिग्नल देना चाह रहा हूं तो यहां से इसका ये टाइम है, इतना टाइम है, इतना टाइम है, ये अपने इतने ही टाइम के ऊपर मीन ये जो इस सिग्नल की एक साइकिल है, ये साइकिल ये जो सार्टूथ वेव जनरेट करेगी उतने ही टाइम में अपनी इस ये जो साइकिल है एफ सिग्नल की, एक साइकिल को उतने ही टाइम में कवर करे जितने टाइम में ये सार्टूथ वेव यहां से जनरेट करके यहाँ पे स्वीप सिग्नल मतलब पहुंच रही है। इसका मतलब यहां से चली, देखो यहां से माइनस टू तो मैंने ऐसे सेटिंग कर दी, और यहां पर पहुंचते ही, यहां पर पहुंचते ही ये सिग्नल किसको रिटर्न बैक कर जाए, ओरिजिन को, फिर ये अपने पाथ को क्या कर दे, रिट्रेस करना स्टार्ट कर दे, रिट्रेस करना स्टार्ट कर दे, और यहां पर पहुंचते ही सिग्नल फिर किसको रिटर्न कर जाए, ओरिजिन को, और फिर प्रोसेस को रिपीट करना स्टार्ट कर दे। तो हमें इस डिस्प्ले के ऊपर इनपुट सिग्नल क्या होगा, डिस्प्ले होगा, अदरवाइज हमें इस सीआरटी की स्क्रीन के ऊपर सिग्नल क्या नहीं होगा, डिस्प्ले नहीं होगा। तो इसका मतलब हमें यहां से जो ट्रिगरिंग करनी है, और वो ट्रिगरिंग कैसी करनी है, ट्रिगरिंग सेटिंग्स आर टू बी मेड इन सच ए वे वी एडजस्ट टाइम पर डिवीजन, मींस टाइम पर डिवीजन एडजस्ट करना है, टू मेक एफ सिग्नल मस्ट बी इज इक्वल टू एफ स्वीप सिग्नल, मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सिग्नल मस्ट बी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ स्वीप सिग्नल, देन सिग्नल इनपुट सिग्नल कैन डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन ऑफ सीआरटी। और जो सिग्नल हमें इसकी स्क्रीन के ऊपर मिला है उस सिग्नल को हम क्या कर लेंगे, उस सिग्नल को हम एनालाइज कर लेंगे टाइम पर डिवीजन स्केल के ऊपर ऑन द स्क्रीन ऑफ सीआरटी, ऑन द स्क्रीन ऑफ सीआरओ। तो ये इस सीआरओ की वर्किंग थी, और ये क्या काम करने, क्या काम करता है, अगर यूज आ जाए तो हमें पेपर के अंदर क्या लिखना है, सीआरओ कैन बी यूज टू प्रोड्यूस डिफरेंट, मींस ये सीआरओ सबसे पहले क्या काम करेगा, डिस्प्ले करेगा आउटपुट के ऊपर डिफरेंट वेवफॉर्म ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स की। मींस सीआरओ का मेन इंपॉर्टेंट यूज क्या है, जो हम डिफरेंट सिग्नल्स को सीआरओ की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेव फॉर्म की फॉर्म में। जैसे इन मैं यहाँ पे अगर सिग्नल दे रहा हूं स्केयर वेव का, तो ये स्केयर वेव डिस्प्ले कर देगा, साइनोसाइडल दे रहा हूं तो साइनोसाइडल को डिस्प्ले कर देगा। और सेकंड, ये एक इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर है, और ये इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा, विच मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये सीआरओ पे लेक्चर था। अगर मेरा ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर ये लेक्चर अच्छा लगे तो इसके लिए एक लाइक बनता है, शेयर बनता है। थैंक यू।